मौसम विभाग ने सिटी का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो औसत से 3.7 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा। रामझूला की तर्ज पर अजनी ब्रिज के पास दो और नए आरओबी बनाने को मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए जनरल एग्रीमेंट ड्राइंग को मंजूरी मिल गई है। शहर में सोमवार को 55 तथा मंगलवार को 54 सहित 48 घंटे के भीतर कुल 109 कोरोना बाधितों की मृत्यु हो गई। गैस सिगड़ी पर उबलता दूध 8 माह के मासूम पर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मेडिकल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मंगलवार को जिले में 4,604 लोगों की जांच की गई, इसमें 1,156 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। होली के दिन महानगर में 3 जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई, आग से काफी नुकसान हुआ। हालांकि इन घटनाओं में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। रंगोत्सव के दिन किसी पुरानी बात को लेकर हुए विवाद में दो मित्रों ने मिलकर अपने साथी मित्र की चाकू घोप कर हत्या कर दी। इस मामले में गणेशपेट पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है। जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत पुराने विवाद के चलते युवकों ने मिलकर रात के समय फरियादी के मकान में आग लगा दी। इसमें कोई जानहानि तो नहीं हुई, परंतु मकान के दरवाजे और खिड़की को नुकसान पहुंचा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की डुप्लीकेट फीस 17 मई की परीक्षा के बाद आवेदकों को वापस कर दी जाएगी। एनटीए ने इस जानकारी के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सीतावड़ी थाना क्षेत्र में होली के दिन मकान को ताला लगाकर बाहर गांव जाना व्यक्ति को महंगा पड़ा। अज्ञात चोरों ने बंद मकान से 3,50,000 नकद और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया।